ट्रिप के लिए कुछ खरीदारी कर ली जाए। तो यहाँ पे कुछ कपड़े पसंद आए, इसको ट्रायल के जा रहे हैं। और इधर जिया कर रही है सारी पैकिंग। जी हाँ, तो सुबह सुबह ही हम लोग को निकलना पड़ेगा, 7 बजे करीब ट्रेन है। मम्मी से परमिशन मिल गई है ट्रिप पे निकलने के लिए, तो हम लोग निकलेंगे। ताकि अपनी बीमार माँ को छोड़ करके ये लोग घूमने निकल गए हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10:30 और क्रियांश है हमारी गोद में। क्रियांश कुछ देर में जो है नहाने भी जाएगा। अच्छा, हाय कर रहा है सभी को। हाय, तो क्रियांश आप सभी को हाय कर रहा है। और जैसा कि आपने ब्लॉग का टाइटल देखा होगा जी, हाँ जी, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी ट्रिप पर जाने की। पिछले कुछ दिनों से जो है थोड़ी सी तबीयत खराब थी और मूड भी बड़ा एकदम नहीं कहे बिल्कुल अच्छा जैसा फील नहीं हो रहा था। सोच रहे हैं कि कहीं बाहर निकला जाए, और निकलेंगे कहीं पर तो मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मुझे होता है जी, जब भी मेरा मूड लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बोरियत सा जैसा लग रहा है, कभी कुछ निगेटिविटी हो, तो मैं सीधा बाहर निकल जाता हूँ और फिर उसके बाद जो है मूड फ्रेश हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही होगा। तो हम लोग इस बार जाने वाले बहुत ही खूबसूरत सा जगह, वहाँ का वीडियो सब डालेंगे, तो आप लोग को भी मजा आएगा और हम तो घूमेंगे ही। हाँ, चलना है, क्रियांश भी चलेगा साथ में। तो फिलहाल हम लोग अभी आए हुए हैं जी रिलायंस ट्रेंड, यहाँ जा करके जो है कुछ खरीदारी करनी है, तो चलते हैं ट्रिप के लिए कुछ खरीदारी कर ली जाए। जी बात क्या है जी, मेरे पास जो है कपड़े बहुत कम बचे हुए हैं, जितने भी कपड़े थे, कुछ कपड़े का तो रंग जो है डिसकलर हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ कपड़े पसंद आए, इसको ट्रायल के जा रहे हैं। A few moments later. सर, मैंने ये पसंद किया जो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। अगर ये साइज नहीं है तो एक्सेल भी है। एक्सेल भी देख लेता। लेकिन मुझे लगता है ये आ गया। एल फिट लग रहा है। ठीक है, यही ले लीजिए। 2 hours later. वो क्रियांश कैसा लग रहा है चप्पल? हाँ? नीचे देख। नीचे से हाय कर रहा है। क्या कर रहा है? हाय कर दीजिए सबको। हाय हाय बोलता है। और अपना सिर पर दिखाइए कैसा है ये, दिखाइए कैसा है। hey. आज पापा ने दिलाया ना नया देखो। न्यू है ना, इतना उछल के यहाँ से वहाँ जा रहा था, वहाँ से यहाँ आ रहा था। <दिखाए। laughs> The next day. सुबह के बज रहे हैं 8 और क्रियांश जो है न्यू फ्लोटर पहन के बैठ गया है, चढ़ गया है एकदम बेड पे। सुबह से चप्पल पहन के ही घूम रहा है चारों बगल। और दीदी भी आ चुकी है, दीदी लगा रही है झाड़ू। क्या बोलो, हाय करो, जय जय करो सबको, जय। बोलो मैं जाऊंगा कल घूमी घूमी। बोलो मैं जाऊंगा कल घूमी घूमी। तो क्रियांश जो है अपना पेंगुइन ले लिया है। कल क्रियांश जो है चप्पल पहन के थोड़ा सा गिर गया था, इसको चोट आ गई है ना क्रियांश। क्रियांश ना क्या करता है, मेन गेट जो खुला रहता है, जैसे देखेगा कि खुला है और भागेगा इतने स्पीड में कि आगे पीछे नहीं देखेगा क्या है। इसका पेंगुइन गिर गया नीचे, अब जा रहा है पेंगुइन लेने। इस बेड शीट को इतना जोर से पकड़ता और नीचे उतर जाता है। और पूजा का घंटी भी इसका यही रहता है। जय जय क्रियांश। ओए लड़का, इधर इधर, जय जय, हाय, जय जय, जय जय। क्रियांश कहाँ जा रहे हो? बजाने। कहाँ जा रहे हो? तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 11 और क्रियांश के नहाने का भी समय हो गया है, तो क्रियांश कुछ देर में जाएगा नहाने के लिए। और इधर जिया कर रही है सारी पैकिंग। जी हाँ, तो सुबह सुबह ही हम लोग को निकलना पड़ेगा, 7 बजे करीब ट्रेन है। पैकिंग करने का जो है समय रात में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, और अच्छे से नींद ले ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल जो सुबह जो हमारा जर्नी स्टार्ट होगा सुबह 7 बजे करीब, और वह जर्नी फिर हम लोगों का खत्म होगा रात के 9 बजे 8:45 तक। तो अच्छा खासा जर्नी है। ओए क्रियांश, तो क्रियांश जो है जब एक बार फ्लाइट में गया था तो मिक्स सा रहा था उस समय रिस्पॉन्स इसका। है। तो हम लोग आ रहे थे जी उस समय इंदौर से आना था पटना, तो इंदौर से फिर दिल्ली एक स्टॉपेज था, फिर दिल्ली से पटना था फ्लाइट। तो इंदौर से जो दिल्ली था यह सोते हुए आ गया, 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। फिर उसके बाद जब हम लोगों को जाना था दिल्ली से पटना, उस समय क्रियांश ने जो है अच्छा खासा तबाही मचाया।
और इस बार भी कुछ लगभग इसी तरह का कुछ ड्यूरेशन है फ्लाइट का, डेढ़ डेढ़ घंटा का है शायद, और बीच में 2 घंटा स्टॉपेज है हैदराबाद में शायद। तो देखते हैं क्रियांश का कैसा रहता है, उसे धीरे धीरे यात्रा करेगा तो इसको आदत हो जाएगी, है ना। और मम्मी जो है यहाँ पर अपना फ्रिज सबका साफ सफाई कर रही थी। तो हम लोग फाइनली अब निकल रहे हैं, मम्मी से परमिशन मिल गई है ट्रिप पे निकलने के लिए, तो हम लोग निकलेंगे। और बाकी एक चीज देखते हैं कि जब भी ट्रिप पर जाते हैं ना, मतलब कमेंट तो देखो कि बहुत बहुत कमेंट आते हैं उसमें से, लेकिन बस 95% कहो कि पॉजिटिव कमेंट आता है, 5% कहो कि कुछ ना कुछ नेगेटिव रहता है। तो उसमें ये रहता है कि अपनी बीमार माँ को छोड़ करके ये लोग घूमने निकल गए हैं। जो माँ पूरे घर की खुट्टा संभाल सकती है, हमको तो लगता है शायद अभी हम बीमार नहीं है। और बीमार हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कब बोला गया कि माँ बीमार है कुछ है, बस माँ रिटायर कर गई, इसका मतलब माँ का बुढ़ापा आ गया। जिसका गार्जियन जितना इंटेलिजेंट था उसके बच्चे उतने जल्दी लेट से रिटायर होंगे। बिल्कुल, माँ से भी कई लोग जो है, मतलब मुझसे लगता है कि 5 से 8 साल बड़े होंगे, वो लोग भी अभी तक जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी सेवा में है। सेवा में हमसे जो छोटे हैं, जो मेरे घर के उदाहरण मेरी बहन है अर्चना, वो रिटायर मेरे साथ हो गई। बिल्कुल, उस समय तो मास्टर साहब जो नाम लिख दिए वही उम्र हो गया। वही बात, रिटायर होना किसी की उम्र का परिचायक नहीं है। बिल्कुल, और बच्चा होना यह भी किसी की उम्र का परिचायक, शादी हुई बच्चा हो गया। सही बात है। और माँ बाप जैसा नाम लिखा दिए, उस समय बर्थ सर्टिफिकेट या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये सब नहीं था। देख लीजिए, जो लोग रिटायर भी हो गए देखते हैं 75-80 साल के भी है, एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है, और ऐसा लग रहा है कि मम्मी से भी ज्यादा फिट होंगे वो अभी। मुझे लगता है कि जो जो बाल बच्चा अगर अपने से सब कुछ कर रहा है और हमको मुक्त कर दिया, तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते थे तो आपने मेरा डिमांड पूरा कर दिया। और हम बच्चे के निजी जिंदगी में इंटरफेयर करने जाए, उसके साथ हम घूमने जाए, तो मुझे पसंद है। बिल्कुल, मम्मी को तो रिक्वेस्ट करते हैं कि मम्मी चलो तुम भी घूमने, क्योंकि मम्मी जो है ज्यादा लॉन्ग जर्नी पर जाना नहीं चाहती है। हाँ, जो भी शॉर्ट जर्नी होता है जैसे देवघर हो गया, यहाँ के आसपास का कोई मंदिर हुआ, वहाँ मम्मी जरूर साथ जाती है, लॉन्ग टूर पर मम्मी नहीं निकलती। मुझे बचपन से घूमने की आदत नहीं है। शुरू में मैं जब वहाँ बचपन में थी तो अपने माँ बाप का सेवा करके आज यहाँ तक पहुँची। अब मेरे घर में जो ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर है उसी में पूजा करके शेष में अपने पति के शरण में अपना जीवन गुजारूंगी। और संपूर्ण विश्व के लिए सबके अच्छे बाल बच्चा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो फिलहाल हम लोग आए हुए हैं जी मंदिर, आज है सोमवार, तो जिया जा रही है यहाँ पर शिव भगवान का पूजा करेगी, और पूजा करने के बाद जो है फिर चलेंगे घर, और कुछ कपड़ा भी जिया लाई हुई है, इसको फिटिंग करवाना है, टेलर को देना है तो अपना देगी, और उसके बाद हमको भी कुछ खरीदारी सब करनी है, कुछ बचा हुआ है क्रियांश को लेकर के, तो वो सब चलेंगे फिर। 20 मिनट्स लेट। जिया का यहाँ पर हो गया है पूजा, तो अब चलते हैं, बारिश भी होने वाली है, और एक बात क्या हुआ है कि जूता हम लोग का ऊपर ही रह गया है, तो जूता बूता लेते हैं वहाँ से, वरना वो अपना गीला हो जाएगा, और कल जाना भी हम लोग को। हाँ, कल गीला हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली घर पहुंच गए जी, पूजा पाठ सब हो गया, और उसके बाद जो है घर आए तो देखिए मम्मी ने पहले से ही जूता उतार करके रखा था। मम्मी को थोड़ा बोलने में इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मम्मी घर पर थी अकेली, और उसके बाद क्रियांश को संभाल रही थी वह, तो क्रियांश सोया हुआ था, उसको छोड़ करके ऊपर जाना वह पॉसिबल नहीं था, इसलिए सोचे कि जल्दी आ जाए, लेकिन देखे कि क्रियांश जग गया और मम्मी जो है जा करके लेते आई है। तो अब ऐसा करते हैं, चलते हैं, थोड़ी सी भूख लग गई है क्योंकि शाम का समय हो गया, और इस समय हम जो है थोड़ा सा स्नैक्स जरूर लेते हैं, चलते हैं।